मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और उषा ठाकुर ने होलकर कालीन धरोहर लालबाग के परिसर का निरीक्षण किया और यहां हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने और बच्चों के लिए भव्य गार्डन योगशाला बनाने के लिए मैप तैयार किया गया। इंदौर के होलकर कालीन धरोहर लालबाग के निरीक्षण के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि लालबाग पैलेस को अपने वास्तविक रूप में पहुंचाने के लिए आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग ने चिंता जताई है। हालांकि यहां पर काम की गति फिलहाल धीमी दिखाई दे रही है। लालबाग की सूरत अपने पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए इंदौर का प्रत्येक नागरिक चिंतित है, साथ ही अपने सुंदर स्वरूप को जल्द से जल्द प्राप्त हो इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। परिसर में बच्चों के लिए भव्य गार्डन और योगासन के लिए भी बात की है। कुल मिलाकर सकारात्मक वातावरण लालबाग में दिखाई दे इसी उद्देश्य से आज का ये दौरा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि पुरातत्व की अमूल्य धरोहर है हमारा लालबाग, तो वो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे ऐसे चिंता आर्कियोलॉजी ने की है, पर काम की गति यहाँ धीमी दिख रही है। इसी दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेजी से गति दी थी, और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई है, तो उनका भी विशेष लगाव है। और हम सब इंदौर के हैं तो मुझे लगता है हम में से हर किसी का चिंता है लालबाग को लेकर, तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो इस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लालबाग में दिखाई दे, इस चिंता को लेकर आज ये दौरा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि लालबाग के वास्तविक स्वरूप को लाने के लिए मंत्री ठाकुर ने संकल्प लिया है। वहीं फंड की कमी के सवाल पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि फिलहाल फंड की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है और उसे राज्य सरकार पूरा करेगी। राजवंश होलकर कॉलेज घराने की धरोहर लालबाग पैलेस की रक्षा और सुरक्षा करने और नया स्वरूप देने के लिए सरकार तैयार है। इसमें कौन कौन से सकारात्मक सुझाव नए आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है, वो प्लान कितने वर्ष पुराना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं और नए। और हम तो सोचते हैं कि उषा जी का सोच है कि इस धरोहर में हम जनता को साझेदारी और उनका भी सहयोग लें और आप लोगों का भी सहयोग, अच्छा सुझाव आ सकता है सकारात्मक, वो सुझाव सारे, क्योंकि जितने पुरातन विभाग के लोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी उषा जी के नेतृत्व में हम लोग चर्चा करेंगे, और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं जैसे हर विभाग का, मुझे लगता है शहर के पुरातत्व सबका सबका कमेटी आपके सबके सुझाव मिलकर नया स्वरूप, एक नया ढांचा, एक उस जो एक्शन प्लान है उसमें नए ढांचे को जोड़ के दोनों का संयुक्त बनाकर उषा जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिर हम दिल्ली भी जाना पड़ेगा, उषा जी के नेतृत्व में दिल्ली भी जाएंगे, पर लालबाग का विकास और प्रगति उन्नति, क्योंकि मैंने बोला ना कोई पवित्र काम करो तो मान शक्ति साथ में सब पूर्ण होगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि नगर निगम और आईटीए के साथ चंपा बावड़ी को लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जल्द ही चंपा बावड़ी में पहले की तरह साफ पानी लोगों को दिखाई देगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।